नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित भोबिया। दिन की शुरुआत हर कोई खबरों से करना चाहता है, लेकिन भागती जिंदगी में अगर आपसे खबरें छूट गई हों तो कोई बात नहीं। वीके न्यूज आपके लिए लाया है 2 मिनट में दिन की 5 बड़ी खबरें। तेलंगाना में तय वक्त से पहले चुनाव करवाने के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज विधानसभा भंग करा सकते हैं। इसके लिए राव ने कैबिनेट बैठक भी बुलाई है। तेलंगाना में पहली विधानसभा के लिए मई 2014 में चुनाव हुए थे। राव का कार्यकाल मई 2019 में पूरा हो रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राव लोकसभा चुनाव के साथ राज्य के विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं है। वे इस साल के अंत में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही तेलंगाना में चुनाव करवाना चाहते हैं। दिल्ली जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार अब राजनीति में हाथ आजमाने जा रहे हैं। खबर है कि कन्हैया कुमार 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कन्हैया कुमार बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कन्हैया को बेगूसराय से लड़वाने को लेकर वामपंथी पार्टियों के साथ आरजेडी भी समर्थन की बात कर चुकी है। अभी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम के खिड़की दोला में जमीन खरीदने के मामले में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि ये मामला 10 साल पुराना है और इस मामले में नया क्या है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने राजनीतिक रसूख और भूपिंदर सिंह हुड्डा से मिलीभगत करके धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इसके अलावा वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और ओमकेश्वर प्रॉपर्टी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए अमेरिका ने $300 मिलियन की मदद राशि पर रोक लगा दी है। आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की लचर कार्रवाई को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अमेरिकी सेना की ओर से कहा गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने में नाकाम रहा है, उसे देखते हुए हमने $300 मिलियन यानी तकरीबन 2100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद को रोकने का फैसला लिया है। अमेरिका के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा झटका लगा है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस बार जन्माष्टमी 2 और 3 सितंबर को है। मथुरा, वृंदावन और इस्कॉन टेम्पल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल मनाई जाएगी। वहीं शैव परंपरा को मानने वाले लोग कृष्ण जन्माष्टमी को आज मनाएंगे। इसके लिए देश भर के मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। तेज रफ्तार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।